हेलो एवरीवन, मैं हूं ईश्वर द्विवेदी और आज का हमारा टॉपिक है एंटीडॉट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉइजन की डेफिनेशन क्या है। एनी सब्सटेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन वट एवर वे प्रोड्यूसेस इल हेल्थ, डिजीज और डेथ। इसका मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जो शरीर में एडमिनिस्टर करने पर तबीयत खराब हो या कोई बीमारी हो या तो इंसान की डेथ हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइजन। इस पॉइजन की इफ़ेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए जो एजेंट दिया जाता है उसे हम कहते हैं एंटीडॉट। तो इट इज़ एन एजेंट दैट काउंटर एक्ट ऑन पॉइजन और ऑन इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज नोन एज एंटीडॉट। चलिए यहाँ हमारे डेफिनेशन ख़त्म होते हैं, अब हम क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। ये है एंटीडॉट्स के क्लासिफिकेशन। बेसिकली तीन टाइप्स हैं इनके क्लासिफिकेशन में, चीज़ें जो है वर्क करती हैं इन एंटीडॉट। सबसे पहला जो एंटीडॉट का क्लासिफिकेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या है। फिजियोलॉजिकल क्या करता है, इट अल्टर्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन के जो इफेक्ट को है यही क्या कर देता है, अल्टर कर देता है। इसका एग्जाम्पल है NaNO2, सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड क्या करता है, इट कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन टू मिथामोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को मिथामोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और ये मिथामोग्लोबिन जाकर साइनाइड के साथ बाइंड हो जाता है। साइनाइड के साथ बाइंड होते ही क्या होता है, उसका इफेक्ट काउंटर हो जाता है और जो भी ये पॉइजन है नल एंड वॉइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस तरह से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है। दूसरा हमारा है केमिकल एंटीडॉट। इसके नाम से ही पता चलता है ये क्या कर रहा है, इसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर देता है। केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम थायो सल्फेट, ये क्या करता है, ये करता है टॉक्सिक साइनाइड को नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, टॉक्सिक साइनाइड को नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इसके केमिकल नेचर में चेंज आ जाता है और ये इसका जो पॉइजनस इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा है हमारा मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या करेगा, ये इट प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द बॉडी। मतलब जो भी पॉइजन है इसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही घटा देगा या कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल, तो ये क्या करता है, पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर या तो विद इन उसके अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा पॉइजन को और इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे घर में आजकल सभी के RO लगा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जब भी कभी आपके घर में RO बिगड़े और RO रिपेयर करने वाला आए तो उससे पूछिएगा कि सर इसके अंदर जो है कार्बन फिल्टर कौन सा है। तो उस कार्बन फिल्टर के अंदर बेसिकली होता क्या है, उस कार्बन फिल्टर के अंदर होता है एक्टिवेटेड चारकोल। ये एक्टिवेटेड चारकोल पानी के अंदर रहे हुए हार्मफुल सब्सटेंस को या पॉइजन्स को या कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारी बॉडी को इफेक्ट पहुंचा सकता है या पॉइजनस इफेक्ट दे सकता है उसे क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे हमारी बॉडी में उस ख़राब सब्सटेंस का इफेक्ट नहीं आता है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इस क्लासिफिकेशन को हमें लिखना कैसे है। तो जब भी आप पेपर में लिख रहे हैं तो इस तरह से इलेबोरेट करके पक्का लिखना है, इससे आपके मार्क्स एनहांस हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।